सावणियों की सुरक्षा को लेकर सिकंदरा राव के पंथ चौराहे पर उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव, क्षेत्र अधिकारी सिकंदरा राव और थाना प्रभारी सिकंदरा राव मौजूद रहे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देशों के क्रम में कांवड़ यात्रा मार्गों पर संबंधित विभागीय अधिकारी कांवड़ कैंपों में मौजूद दिख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कांवड़ लेकर आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर हाथरस जिला प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जिले से लेकर तहसील और ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारी कांवड़ कैंपों में कैंप करते हुए नजर आ रहे हैं। पंत चौराहे के जो नगरपालिका द्वारा यहां पर कैंप लगाया गया है, उस कैंप पर हम पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ। यहां पर लगातार सावन के शुरुआत से लेके अब तक प्रशासन और नगरपालिका पूरी मुस्तैदी से आते हुए कांवड़ियों के लिए लगातार व्यवस्था कर रही है। यहां ऐसे ही हमारे कुछ कांवड़िया मौजूद है, जानेंगे कि यहाँ जो पहुँचे हैं तो व्यवस्था को लेकर क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। कोकपाल से हाथरस नगलापुर। हाँ, तो सिकंदरा राव कांवड़ लेके कहाँ से आए हैं? हम सोरों से आ रहे हैं। क्या लगता है कि सिकंदरा राव कार्यालय पर जो व्यवस्था की गई है, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, कांवड़ वालों के लिए बहुत ही कोई मतलब पूरी व्यवस्था है, कोई परेशानी हो नहीं रही है। दवा वगैरह सब कुछ सब चीज़ उपलब्ध, खाने से दवा से सब चीज़ उपलब्ध है। प्रशासन पूरी तरह तैयार? बिल्कुल, प्रशासन भी बहुत सहायता कर रहा है, सहयोग बहुत ही है। जैसे कि कांवड़ लेकर जो आ रहे कांवड़िया ने बताया कि यहाँ पर प्रशासन की पूरी व्यवस्था मुस्तैदी से लगी हुई है। साथ ही बात कराएंगे कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम लगातार काम कर रही है, हम बात करेंगे इनसे। आपका नाम क्या डॉक्टर साहब? आपका नाम? आ रहे हैं डॉक्टर साहब। आप यहाँ पर कितने दिनों से लगातार अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं? हो गए 15-16 दिन हो गए लगातार आप लगे हुए। हाँ। डॉक्टर्स की व्यवस्था तो यहाँ से प्रोवाइड एम्बुलेंस की होगी? हाँ, एम्बुलेंस भी है। जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया कि यहाँ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, शासन प्रशासन पूरी तरह मौजूद है ताकि किसी कांवड़िया को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी कांवड़िया आराम भी कर रहे हैं, जो कि चलकर थककर आए हैं, उनकी कांवड़ को यहाँ पर टांगा भी गया है। यानी प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है ताकि किसी भी कांवड़िया को सिकंदराव पहुँचने पर किसी बात की अव्यवस्था ना हो। सिकंदराव से मैं मोहित, हाथरस 24 के साथ पवन कुमार।